तो प्रधानमंत्री का काफिला मेहसाणा गुजरात में पहुंचा है और सड़क के दोनों तरफ ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क के दोनों तरफ लोग उमड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, अपने प्रिय नेता का दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों से पलक पावड़े बिछाए लोग सड़क के किनारे इंतज़ार कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको मेहसाणा गुजरात से दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें, लोकप्रियता का अंदाजा होगा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि किस तरह से प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मेहसाणा में, आज मेहसाणा के लिए विशेष दिन है। आज 8,350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्कूली छात्र, तमाम युवा कुछ अपनी पोशाकों में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उमड़े हुए हैं और गीत और नृत्य के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने का अनोखा अंदाज है मेहसाणा के लोगों का। तो आज गुजरात के लिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन होगा। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपने डेस्टिनेशन की तरफ और सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े होकर हाथ हिलाकर स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, दिखाती हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, जिनकी एक झलक पाने के लिए, जिनका दीदार करने के लिए जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाज़ा। दरअसल गुजरात के लोगों का एक विशेष आकर्षण है प्रधानमंत्री के प्रति। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजरात का में विकास की जो बयार बाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर गुजरात में, फिर बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर, एक बदले हुए गुजरात की जो सूरत बनाई प्रधानमंत्री ने, तो जाहिर तौर पर अपने ऐसे नेता का दीदार करने के लिए लोग यहां जुटे हुए हैं। आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम रहे हैं, पहले अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और गुजरात की महिलाओं की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, जमकर प्रशंसा की और कहा डेयरी उद्योग की रीढ़ है महिलाएं। साथ ही साथ डेयरी उद्योग की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 50 वर्ष पहले जो वृक्ष लगाया गया था आज वो विशाल वट वृक्ष बन चुका है और गुजरात का डेयरी उद्योग देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग
नृत्य करके, नृत्य से, गीत से, ढोल नगाड़ों से, बाजे गाजे से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं लोग, और प्रधानमंत्री भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए, जिसको कहते हैं कि नेता को, किसी भी एक नेता को ऊर्जा मिलती है अपने लोगों के प्रेम से, और वही ऊर्जा प्रधानमंत्री को इन लोगों से मिलती है जो देश के आम लोग हैं, जिनके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। महसाणा गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो, सड़क के दोनों तरफ हुजूम उमड़ा है आम लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों के दोनों तरफ जुटे हुए हैं। उसके साथ ही साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर, अपने प्रिय नेता को अपने बीच में पाकर ये गुजरात के लोगों का उत्साह है, और ये उत्साह कई माध्यम से, कई तरीके से सामने आ रहा है। कोई गीत के साथ, कोई नृत्य के साथ, बाजे गाजे के साथ में, ढोल ताशे के साथ में, बड़े शोरगुल के साथ में प्रधानमंत्री का संवेद गीत के साथ, संवेद स्वर में मोदी मोदी के जयकारे लगाते हुए, मोदी मोदी के नारे लगाते हुए आम लोग तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, महिलाएं कहीं पर नृत्य कर रही हैं, परंपरागत नृत्य जो गुजरात के हैं, गरबा और उससे जुड़े हुए जो दूसरे नृत्य हैं, और उसके साथ ही साथ पुरुषों की टोली अलग नृत्य कर रही है, स्कूली बच्चे इनमें शामिल हैं, तमाम युवा शामिल हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज। और ये आज, इससे पहले जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने आज दिन में, जो प्रधानमंत्री के शुरुआत सुबह में जो कार्यक्रम थे। अहमदाबाद का जो कार्यक्रम था उसमें सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, और उसके बाद एक प्रदर्शनी में का भी अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुजरात के गांवों ने 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वटवृक्ष बन गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात की महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बनाया, उन्होंने कहा कि ये जो सारा डेयरी उद्योग है ये महिलाओं के श्रम का, उनकी मेधा का, उनकी शक्ति का नतीजा है जो आज एक विशाल वटवृक्ष बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकार के माध्यम से, सहकारी क्षेत्र की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि सहकार के माध्यम से ही इस क्षेत्र को शानदार सफलता मिली है, और पिछले 10 वर्षों में देश के डेयरी सेक्टर ने जबरदस्त सफलता अर्जित की है, जबरदस्त प्रगति हुई है डेयरी सेक्टर की। गुजरात का डेयरी सेक्टर सिर्फ देश में नहीं, दुनिया भर में मौजूद है, और जो यहाँ का सहकारी संघ और यहाँ जो डेयरी का जो तरीका है, जो सहकारिता का एक बड़ा जीता जागता प्रमाण है कि किस तरह से सहकारिता के जरिए प्रगति की जा सकती है, गुजरात का जो डेयरी संघ है वो उसका एक जीता जागता प्रमाण है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ की भूरी भूरी प्रशंसा की, और कहा कि गुजरात के गांवों ने मिलकर जो 50 वर्ष पहले
एक पौधा लगाया था वो आज विशाल वटवृक्ष बन गया है। यहाँ के तमाम गांव के लोगों ने और ख़ास तौर पर महिलाओं ने मिलकर डेयरी उद्योग की शुरुआत की थी तकरीबन 50 वर्ष पहले, और आज जिस तरह से ये डेयरी उद्योग पूरी दुनिया भर में मशहूर है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कामों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि डेयरी सेक्टर में देश की नारी शक्ति की भूमिका प्रशंसनीय रही है। पीएम ने आगे की चुनौतियों की भी बात की और कहा कि जो हमारा पशुपालन का दायरा है उसको और आगे बढ़ाना है। देखिए, रंग बिरंगी पगड़ियां बांधे गुजरात के परंपरागत वेशभूषा में लोग जुटे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिफॉर्म में आए हैं, कुछ युवा जो हैं उन्होंने एक विशेष वेशभूषा बनाई है। तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जैसे किसी अपने बड़े का, किसी अग्रज का स्वागत करते हैं घर में, तो उसके स्वागत के लिए जो विशेष तैयारियाँ होती हैं उस सबसे परिपूर्ण दिख रहे हैं लोग। और संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, बाजे गाजे नृत्य ढोल ताशे के साथ लोग आए हैं, और सड़क पर संगीत की लहरियां भी गूंजती हुई सुनी जा सकती हैं। ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही गुजरता है लोग हाथ उठाकर स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। तस्वीरें देखिए, आम जो लोग हैं वो भी देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक झलक पाना चाहते हैं, किसी तरह से प्रधानमंत्री की एक झलक मिले, उनको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर सकें, और प्रधानमंत्री भी उसके बदले में जो अभिवादन का जवाब दे रहे हैं वो भी लोगों को भा रहा है। इस तरह के रोड शोज पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री करते रहे हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर जहां जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं और उनके पास थोड़ा समय होता है तो वो, और सबसे ख़ास बात है कि ये जो लोगों का आना है ये ज़्यादातर स्थानों पर स्वतः स्फूर्त होता है। जब लोगों को पहले से अगर पता हो और जगह गुजरात जैसी हो जहाँ से प्रधानमंत्री की कर्मभूमि रही है, जहाँ से प्रधानमंत्री ने एक तरह से कहा जाए कि अपनी कर्मभूमि, जन्मभूमि, और जहां सर से उन्होंने अपना ककहरा शुरू किया राजनीति का, समाज सेवा का, वलीनाथ महादेव मंदिर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। Thank you.
तो वली महादेव मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। और ये हम अक्सर देखते हैं कि जब भी इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं तो आपने देखा ये, और ये जो तस्वीरें हैं ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देखिए, सभा स्थल पर पहुंचे हैं मेहसाणा गुजरात में। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। अभिषेक, हमने देखा कि जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजरे हैं लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री को का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। और ये जो तस्वीरें हैं ये भी वही कुछ दिखाती हैं। आज जे उत्सव गाम तरफ में उजवाई रहो छे एना पर समग्र विश्वनी दृष्टि मंडायेली छे। आ वाणीनाथ महादेवनी परम पवित्र जग्या अने ए जग्याना तमाम महंतशियोने वंदन करिए, एनी चेतना ने એના ધૂણાની જ્યોતને આપણે વંદન કરીએ અને એક વાર જય બોલાવીએ, વાણીનાથ મહાદેવની જય, ભારત માતાની જય। આપણી વચ્ચે કરોડો લોકોના હૃદય સમ્રાટ અને ગુર્જર ધારાનું ગૌરવ ભારત રાષ્ટ્રના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અહીં પધારી રહ્યા છે। આપણે જય ઘોષથી તાળીઓથી ઢોલ નગારાના નાદ તમને સંભળાઈ રહ્યા છે એનું સ્વાગત કરીએ છીએ। और हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह इस वक्त मेहसाणा से जुड़े हुए हैं इस रैली ग्राउंड से, रैली स्थल से। अभिषेक, हमने देखा है कि जहां जहां प्रधानमंत्री गए हैं आज की तमाम तस्वीरें हमने देखी, सड़क के दोनों ओर बड़ा हुजूम उमड़ा प्रधानमंत्री को इसकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और कुछ ऐसी तस्वीरें हम यहाँ इस जो ये कार्यक्रम स्थल है वहां भी देख पा रहे हैं। किस तरह का स्वागत करने के लिए लोग उमड़े हैं प्रधानमंत्री का, क्या कुछ जानकारी देंगे आप ग्राउंड जीरो से? निखिल, देखिए, अगर इस तारव करके एक जगह है जहाँ पर की प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचे हैं, और जैसा आप सड़कों पे नजारा देखा और वैसा ही बिल्कुल नजारा जो है इस यहाँ जो जनसभा है यहाँ पर भी है। तकरीबन 3 से 4 लाख लोगों की यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को देखने उन्हें सुनने के लिए आए। और आप ये समझिए कि जिस सारे लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में, ज्यादातर चाहे महिला हो पुरुष हो बच्चे हैं, वो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पहुंचे, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। वाणीनाथ मंदिर यहाँ पर उत्तर भारत का काफी बड़ा, उत्तर गुजरात की अगर हम बात करें तो उत्तर गुजरात का सबसे बड़ा ये जो है भगवान शिव का मंदिर है। और इसके बाद सोमनाथ जो कि सौराष्ट्र के अंदर आता है, सौराष्ट्र के अंदर का है। अगर हम उत्तर गुजरात की बात करें तो वाणीनाथ मंदिर जहाँ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना जहाँ पे उन्होंने किया, तकरीबन 900 साल पुराना मंदिर है। और सबसे बड़ी बात निखिल ये देखिए, आज 22 फरवरी है, 22 जनवरी को श्री राम
मंदिर का उद्घाटन, वहां पर पूजा अर्चना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज 22 फरवरी है, ठीक एक महीने के उसी दिन लगभग उसी समय पर आप देखिए यहां पर वालीनाथ महादेव का शिवलिंग का जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, यहां पर जो पहले मूर्ति जो वालीनाथ में मूर्ति थी भगवान शिव की, वो प्रतिमा थी, शिवलिंग का जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तकरीबन 6 दिनों से लगातार यहाँ पे तमाम देश के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और आज जो है प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है उसकी जो मुहूर्त निकला उस पर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। जी जी, पूरे इलाके में अगर हम मेहसाणा की बात करें, प्रधानमंत्री का ये गृह जनपद भी है, अगर मेहसाणा की हम बात करें प्रधानमंत्री का ये गृह जनपद भी है, और उनको जानने वाले भी यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ उन्होंने काफी समय गुजारा है, बचपन से उनको देखा भी है और उनके साथ रहे भी है। तो वो सारे लोग जो है साथ में जो तमाम इलाके के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिन्होंने उसके बारे में सुना है कहा, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बहुत बड़ी एक तरीके से गुजरात के लिए इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वालीनाथ महादेव में शिवलिंग और ये बिल्कुल भव्य मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये इसका निर्माण भी यहाँ पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी के बाद श्री राम जन्मभूमि के बाद अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का, दोनों तरफ लोगों का आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री को, और सुबह से ही लोग अपने वेशभूषा में नाच संगीत जो किस भी तरीके से इसे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं उस तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। खास तौर पर निखिल बात की जाए विकास परियोजनाओं की, तो आज उसके लिए भी विभाग को काफी कुछ मिलने जा रहे हैं। तकरीबन 8,350 करोड़ रुपए की से अधिक की विकास परियोजनाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो है सड़क की जो कनेक्टिविटी है। गुजरात ने अगर सड़कों का कार्य है तो बहुत सड़कों का जाल बिछा हुआ, अच्छी कनेक्टिविटी भी है, उसको और कैसे विश्व स्तरीय बनाया जाए उसको भी राष्ट्र को प्रधानमंत्री समर्पित कर रहे हैं। साथ साथ रेल कनेक्टिविटी जो दोहरीकरण का है, रेल मार्गों के दोहरीकरण का, विद्युतीकरण का, उसको भी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। कई सारी जो परियोजनाएं हैं निखिल, उनको यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसका फायदा जो है वो गांधीनगर की बात करें हम, अहमदाबाद, बनासकांठा, आनंद, मेहसाणा के अलावा कच्छ, खेड़ा, यहाँ से जो कनेक्टिविटी की हम बात करें कई सारे ऐसे जिले हैं जिनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। शहरी विकास, जल आपूर्ति, पर्यटन जैसे काफी क्षेत्र हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री जो है इन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री थोड़ी देर में शुभारंभ करेंगे और यहाँ पे जो विशाल जन समूह है उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। मंदिर परिसर को लेकर के मंदिर जिस तरीके से जो भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और शिवलिंग की स्थापना की गई है उसको लेकर के भी यहाँ पर अगर हम बात करें जो यहाँ श्रद्धालु आने वाले हैं पूरे गुजरात से, अन्य राज्यों से, उनके अंदर भी जो है काफी ज्यादा उत्साह देखा हमने कि वो किस तरीके से, और खास तौर पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सबके जुबान पे एक ही चीज था कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला को स्थापित किया और आज 22 फरवरी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री भगवान शिव के शिवलिंग का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। निखिल जी, जी जी, बेहद महत्वपूर्ण है और जैसा कि शुरू में कहा गया कि अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो आध्यात्मिक चेतना उन्नयन की जो बात है, जो धार्मिक उनके कार्य हैं प्रधानमंत्री के, वो साथ साथ चलते रहते हैं, उसमें उसमें कोई जिसको कहते हैं कि ना कोई विलंब होता है ना कोई उसमें रुकावट होती है। आपने परियोजनाओं की बात कही, आज जो गुजरात को मिलने वाली है, गुजरात के लिए बेहद खास दिन है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आज किस तरह से गुजरात उन्नति के और प्रगति के पथ पर एक कदम और आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए अगर गुजरात की हम बात करें तो आप वाइब्रेंट गुजरात समिट देखिए, आप गुजरात एक मॉडल है पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक ऐसा मॉडल है जिसकी हर जगह जिक्र होता है। गुजरात के अंदर आप जिस तरीके से गुजरात का ग्रोथ हुआ है पिछले 15-20 वर्षों के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो एक विजन देखा गुजरात के लिए, जिस तरीके से गुजरात के अंदर कनेक्टिविटी पे पहला जो उनका सब प्राथमिकता रही वो कनेक्टिविटी को लेकर था, पूरे गुजरात को बेस सड़क कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, आप देखेंगे तो यहाँ पे एयरपोर्ट काफी सारे एयरपोर्ट है, किसी अन्य राज्य की तुलना में अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। रेलवे स्टेशन आप जाके देखिए, भारत का पहला 5-स्टार रेलवे स्टेशन भी आपको गुजरात में ही मिलेगा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, 5-स्टार होटल ऊपर नीचे रेलवे स्टेशन, उसके बगल में महात्मा मंदिर जहाँ पे की विश्व स्तरीय जो है बैठकिंग और मीटिंग्स होती है, कई सारे समिट होते हैं,
साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी जो कि इन्वेस्ट के लिए दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे गुजरात में लेकर आएगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर जो वो मुख्यमंत्री थे उस समय की शुरुआत की। अब सोलर प्लांट की बात करें, कच्छ जैसे इलाके में जहाँ में बैरन लैंड है, बंजर जमीन है, भूमि है, वहाँ पर पशुपालन को कैसे बढ़ाया और साथ में सोलर पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। जो इलाके टूरिज्म की जहाँ पे जरूरत थी, अब कच्छ से लेकर के तमाम सौराष्ट्र का इलाका ले ले, वहाँ पर जो आपके धार्मिक स्थल है वहाँ पर कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, तो तरीका एक नहीं रखा उन्होंने, कई सारे अलग अलग हर पहलू को छुआ। यहाँ पर नर्मदा से पानी लेके आया गया, आप समझ सकते हैं नर्मदा से पानी गुजरात में सप्लाई, यहाँ पे पीने के पानी का कई सारे ऐसे नहर बनाए गए। तो एक तरीके से गुजरात के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर काम किया है, उसका लोग यहाँ पर जो उनके जो है दीवाने हैं लोग, लोगों का ये कहना है कि ऐसा जो है पहले 50 से 60 सालों में गुजरात के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को इस स्तर पे लेके आ गए हैं कि आज वो किसी भी राज्य में, विश्व में कहीं भी जाते हैं तो अपना सीना चौड़ा करके जाते हैं, हम चाहते हैं और ये हमारा वर्ग। तो प्रधानमंत्री का एक विजन है जो कि गुजरात के बाद अब पूरे देश के लिए दिख रहा है। विश्व स्तर पे भारत जिस तरीके से अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, नई पहचान बना रहा है, वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही है जिसको धीरे धीरे जिसका सपना साकार होते हुए हम देख रहे हैं। निखिल जी, निश्चित तौर पर आज की जब हम और ये लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं मेहसाणा में। समग्र विश्व में भारत की आभा प्रज्वलित करना गुर्जर घराना पनोता पुत्र माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी अत्रे पधारी चुक्या छे। स्वागत 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 माननीय प्रधानमंत्री श्री, जोरदार तालियों ना गर्जन साथे स्वागत करिए। उपस्थित अन्य मंत्रीगण, माननीय सांसद श्रीओ, माननीय धारासभ्य श्रीओ अने अन्य महानुभावोनु पण स्वागत करीए छे। वाणीनाथ महादेव ना पूज्य महंत तथा सर्वे संतो महंतोनु पण आजना अभाव्य दिवसे स्वागत छे। मित्रों, करोड़ों श्रद्धालुओं आस्थान धाम एवं वाणीनाथ महादेव में नूतन शिवालय की प्राण प्रतिष्ठा करनार अपनी संस्कृति अने देश ने विकासशीलता ना परम साधक एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नु सर्वप्रथम स्वागत करीशुं, जेमा सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री गुजरात राज्य श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने साथे साथे माननीय सांसद श्री सी आर पाटिल साहेब ने विनंती करीश તેઓ સંયુક્ત રીતે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશે। ભગવાન ભોળાનાથ કે ભગવાન મહાદેવના જ નટરાજ સ્વરૂપની એક સુંદર પ્રતિમા અર્પણ કરીને આજે વાળીનાથ મહાદેવની નિશ્રામાં આ સાનિધ્યમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા સાથે સાથે સાંસદ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબ દ્વારા। આજે આપણા સૌ માટે પરમ સૌભાગ્યની વાત છે કે વાણીનાથ મંદિર જે સદીઓથી સૌની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે ત્યાં સ્વયં માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પધારે, આપ સૌની શ્રદ્ધાને ધ્યાને રાખીને ત્યારે આપણે સૌ એકવાર વાણીનાથ મહાદેવનો જય જયકાર કરીને તેઓની ઉપસ્થિતિને વધાવીએ। બોલો વાણીનાથ મહાદેવ કી જય, ભારત માતા કી જય। સમગ્ર વિશ્વમાં આ ગુર્જર ધરાની સાથે સાથે ભારત દેશની અસ્મિતાને જેમણે અજવાળી છે તેવા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી આપણી વચ્ચે અહીંયા પધાર્યા છે। અભવ્ય નટરાજની પ્રતિમા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી તથા માનનીય સાંસદ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબ દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવશે। આપ સૌની તાળીઓના ગર્જન સાથે આપણે સ્વાગત કરીશું માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત અને આભાર। અને હવે મંચ પર ઉપસ્થિત તમામ મંત્રીગણ દ્વારા પણ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત, જેમાં માનનીય મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, શ્રી કુંવરજીભાઈ બાબરિયા, શ્રી ભીખુભાઈ પરમાર, ગુજરાત રાજ્ય સરકાર શ્રીના તમામ
માનવતા મંત્રીશ્રીઓ કષ્ટભંજન દેવજી આ પ્રતિમા અર્પણ કરીને તેમનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અને હવે માનનીય સાંસદશ્રીઓ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ દ્વારા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત, જેમાં સર્વપ્રથમ શ્રીમતી શારદાબેન પટેલ મહેસાણાના વરિષ્ઠ સાંસદશ્રી, ત્યારબાદ શ્રી ભરતસિંહ દાભી પાટણના માનનીય ધારાસભ્ય માનનીય સાંસદશ્રી, શ્રી બાબુભાઈ દેસાઈ રાજ્યસભાના માનનીય સાંસદશ્રી, શ્રી મયંકભાઈ નાયક રાજ્યસભાના સાંસદ, શ્રી સરદારભાઈ ચૌધરી માનનીય ધારાસભ્ય ખેરાલુ, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ માનનીય ધારાસભ્ય મહેસાણા, શ્રી કરશનભાઈ સોલંકી માનનીય ધારાસભ્ય કડી, શ્રી સુખાભાઈ ઠાકોર બેચરાજીના માનનીય ધારાસભ્યશ્રી, શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ ધારાસભ્યશ્રી ઊંઝા, શ્રી મામજીભાઈ દેસાઈ માનનીય ધારાસભ્યશ્રી ધાનેરા, તથા શ્રીમતી તૃષાબેન પટેલ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખશ્રી, તેમના દ્વારા સ્વાગત. એ પછી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના સ્વાગત માટે એ પછીના ક્રમમાં સામૂહિક રૂપે આવવા માટે વિનંતી કરીશું ડેલિગેશન ઓફ ટીમ બીજેપી ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રતિનિધિ મંડળને. શ્રી રજનીભાઈ એસ પટેલ જનરલ સેક્રેટરી સ્ટેટ બીજેપી, શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી ગુજરાત, શ્રી ગિરીશભાઈ રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રેસિડેન્ટ મહેસાણા બીજેપી, શ્રી વર્ષાબેન દોશી ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રભારી મહેસાણા બીજેપી, શ્રી એમ એસ પટેલ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સ્ટેટ બીજેપી, શ્રી ડોક્ટર જે એફ ચૌધરી જનરલ સેક્રેટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ બીજેપી, શ્રી ભગાજી ઠાકોર જનરલ સેક્રેટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ બીજેપી અને શ્રી મહેશભાઈ પટેલ જનરલ સેક્રેટરી જિલ્લા ભાજપ, એ તમામને સાથે મળી અને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે વિનંતી છે. એ પછીના ક્રમે પૂજ્ય મહંતશ્રી જયરામગીરી બાપુ, એમને સાદર વિનંતી કરશું કે આપ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરશો. પૂજ્ય મહંતશ્રી જયરામગીરી બાપુના વરદ હસ્તે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન. વાળીનાથ મહાદેવ મંદિર વતી શ્રી દિનેશભાઈ દેસાઈ અને શ્રી રમેશભાઈ દેસાઈને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરવા વિનંતી છે. એ પછીના ક્રમે શ્રી વાળીનાથ મહાદેવ મંદિરના મુખ્ય દાતાશ્રીઓને વિનંતી કરીશું કે આપ મંચ પર આવી અને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરશો. રામાયણનું આ પુસ્તક આપ હમણાં જોશો, મંચ પર આવી રહ્યું છે સ્વાગતમાં. બેતાલીસ કિલો વજનનું આ રામાયણ છે અને એ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને અર્પણ થઈ રહ્યું છે. શ્રી વાળીનાથ મહાદેવ મંદિરના મુખ્ય દાતાશ્રીઓને વિનંતી કરીશું કે આપ પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરશો.
વાળીનાથ મહાદેવનું સ્મરણ કરીએ, એ ગુરુ ગાદીની ચેતનાનું સ્મરણ કરીએ અને ગુજરાત અને ભારતના વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ભારતના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું આ સ્વાગત અને સન્માન અહીં સંપન્ન કરાયું છે. આભાર. અને હવે વિકાસશીલ ભારત દેશ માટે પ્રગતિની પ્રેરક ભૂમિ એટલે ગુર્જર ધરા, એની મહામૂલી સંસ્કૃતિ અને પ્રગતિના જતન સંવર્ધન માટે અવિરત કાર્યરત માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આમંત્રિત કરીએ છીએ સ્વાગત સંબોધન માટે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. ઉત્તર ગુજરાતની ભૂમિ મહેસાણા ખાતે વિકસિત ભારતના સ્વપ્ન અને અમૃતકાળના સંકલ્પને સાર્થક કરતા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના કુલ રૂપિયા 13,000 કરોડની વધુના વિવિધ પ્રકલ્પોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે આપણે સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વ અને સર્વાંગી વિકાસના પ્રહરી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ અને નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ સી આર પાટીલજી, મહંત શ્રી જયરામ ગીરીબાપુ, મારા સાથી મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, બળવંતસિંહ રાજપૂત, કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, શ્રી ભીખુભાઈ પરમાર, સાંસદ શ્રીમતી શારદાબેન પટેલ, શ્રી ભરતસિંહ ડાભી, રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી બાબુભાઈ દેસાઈ, શ્રી મયંકભાઈ નાયક, પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી તથા વરિષ્ઠ આગેવાન શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષ શ્રીમતી તૃષાબેન પટેલ, મારા સાથી ધારાસભ્યશ્રીઓ, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ તથા સંગઠનના પદાધિકારી, રબારી સમાજના સૌ આમંત્રિત મહાનુભાવો, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. ગુજરાતના પરોતા પુત્ર તેમજ વિશ્વ નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને તરફ વાળીનાથના પવિત્ર ધરા પર 6.5 કરોડ ગુજરાતીઓ વતી હૃદયપૂર્વક આવકારું છું અને પૂજ્ય સંતો મહંતો ધર્માચાર્યોના ચરણોમાં વંદન કરું છું. માલધારી સમાજની ભક્તિ, શક્તિ અને ઉન્નતિના પ્રતીક એવા 900 વર્ષ જૂના વિરાસત વાળીનાથ ધામમાં નૂતન શિવાલયની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે થઈ છે. તેમના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં ભારતની ધરોહર, વિરાસત અને સંસ્કૃતિનો ડંકો સમગ્ર વિશ્વમાં વાગી રહ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ વિરાસત બી વિકાસ બીનો સંકલ્પ આપ્યો છે. તેમની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં વાળીનાથ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ધર્મોત્સવની સાથે સાથે વિકાસ ઉત્સવ પણ ઉજવાઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં કોઈ પણ ખૂણે જાઓ, વિકાસના કામો અવિરત ચાલતા જોવા મળે છે. આ મોદી સાહેબની વિકસિત ગુજરાતની ગેરંટી છે. વિકાસના કામો નાણાના ભાવે અટકે નહીં, છેવાડાના અંતરિયાળ વિસ્તારોને વિકાસથી વંચિત રહેવું ન પડે એવી સુદળ વ્યવસ્થાઓ મોદી સાહેબે વિકસાવી છે. જે કામો થાય તે લોકોની અપેક્ષા મુજબના અને ક્વોલિટી વાળા થાય. કામો માંગવા લોકોને સરકાર પાસે જવું ન પડે, પણ સરકાર સામે ચાલીને લોકહિતના કામો કરે એવી વિકાસની રાજનીતિ મોદી સાહેબે ઊભી કરી છે. સૌને ભરોસો છે, વિશ્વાસ છે કે મોદી સાહેબ છે એટલે એમને જોઈતો વિકાસ મળશે જ. આજનો આ વિકાસ ઉત્સવ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતને ઉત્તમ ગુજરાત બનાવવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના ધર્મ સ્થાનોના પુરસ્થાનની પરિપાટી સ્થાપી છે. એ જ રાહે આગળ વધતા બનાસકાંઠાના રીછડિયા મહાદેવ મંદિર અને ત્યાંનું તળાવ તેમજ થોળ અને નરસરોના તળાવના વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત આજે વડાપ્રધાનશ્રી કરવાના છે. ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશને આજે એક જ દિવસમાં 13,601 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ 57 કામોની ભેટ આ ધરતીના સંતાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ આપવાના છે. તેમાં આજે આપણે રેલવે, પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ, ઉર્જા તથા નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી એમ કેન્દ્ર સરકારના જુદા જુદા વિભાગના 11 મોટા વિકાસ પ્રોજેક્ટની ભેટ મળવાની છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ધરાવતા ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને સલામતીની દ્રષ્ટિએ અતિ મહત્વના નક્કરના કામો
કરવાની પહેલ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કરી છે. એ દિશામાં દિશા એરફોર્સ સ્ટેશનની એરસ્ટ્રીપનું લોકાર્પણ તેઓ કરવાના છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાજ્યમાં રેલવે અને રોડ નેટવર્કના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સહિત વિકાસના કામો આપીને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતના નિર્માણની આગવી દિશા દર્શાવી છે. રેલવે અને હાઈવે જેટલો જ મહત્વનો છે હાઈવે. હાઈવે એટલે ઇન્ટરનેટ. ભારતના 6.5 લાખથી વધુ ગામડાની 3.5 લાખ જેટલી પંચાયતોને ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી આપવાનો પ્રોજેક્ટ ભારત નેટ વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી શરૂ થયો છે. આજે આ ભારત નેટ પ્રોજેક્ટના ફેઝ 2ના રૂપિયા 2042 કરોડના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ તેઓ કરવાના છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશના 5-10 વર્ષમાં જે સ્પીડ અને સ્કેલથી વિકાસના કામો થયા છે તેનાથી વિકાસની આખી વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ છે. મોદી સરકારની વિકાસની આ ગેરંટીને ગુજરાતની જનતા જનાર્દન હૃદયથી આશીર્વાદ આપતી રહેશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. આપણે સૌ સાથે મળીને શ્રી નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણાથી વિકસિત ભારત 2047ના નિર્માણમાં વિકસિત ગુજરાત બનાવીને સહયોગ આપીશું તેવી ખાતરી વડાપ્રધાનશ્રીને આપું છું. ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત કરી વિનમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી આપનો. અને હવે આગળ વધીએ આજના આ ભવ્ય સમારોહના મુખ્ય ઉદ્દેશ તરફ. આજના જ દિવસે ભગવાન વાળીનાથ મહાદેવની નિશામાં ગુજરાતની વિવિધ દિશાઓ અને વિભિન્ન ક્ષેત્રોને આશીર્વાદ મળશે. વિવિધ અપ્રતિમ વિકાસશીલતાના સમસ્ત વિશ્વમાં ભારતની અસ્મિતાને અજવાળનાર વિશ્વપ્રિય નેતા, આપણી પ્રગતિના પ્રેરક અને આ ગુર્જર ધરાના પનોતા પુત્ર માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણા, માર્ગદર્શન અને દીર્ઘદ્રષ્ટિ થકી ગુજરાતના અનેક ક્ષેત્રો અને જિલ્લાઓના વિકાસ માટે ₹13,000 કરોડના પ્રગતિ સભર કાર્યોનું આયોજન થયું છે. તો આજે આપણા સૌનું પરમ સૌભાગ્ય છે કે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી સ્વયં આ ભેટ આપવા માટે અહીંયા પધાર્યા છે. ત્યારે સરળ વિનંતી કરીએ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને આ યોજનાઓના ડિજિટલ લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત માટે. આજે તો આ વિચાર કરવો પણ મુશ્કેલ છે નહીં, કારણ કે આજે તો 500 કિલોમીટર લાંબી સુજલામ સુફલામ સ્પ્રેડિંગ કેનાલથી ઉત્તર ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે માં નર્મદાના પાણી પહોંચી ચુક્યા છે. ખેડૂતો ટપક સિંચાઈને અપનાવીને વર્ષે 2-3 પાક લેતા થઈ ગયા છે. તો શિક્ષણ અને ઔદ્યોગિક વિકાસ તથા રેલ અને રોડ નેટવર્કના સુગ્રથિત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી ઉત્તર ગુજરાત આજે ઉત્તમ ગુજરાત બની ગયું છે. અને આ બધું જ શક્ય બન્યું છે અહીંના લોકોની મહેનતથી અને અહીંના જ એક સપૂત
ભારતના લોક લાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનથી અને તેમણે આપેલી વિકાસની ગેરંટી થી આજે તો મોદીજીના માર્ગદર્શન અને મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં માંડલ બેચરાજી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજન અને વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્લીટ કોરિડોરના પ્રકલ્પોથી સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતના ઉદ્યોગો ધમધમતા બન્યા છે. શક્તિપીઠ અંબાજીધામના વિકાસ કામો, નરેશ્વરી માતાના આંગણે સરહદ ટુરિઝમ, પુરાતત્વીય સાઇટ તરીકે બળનગરનો વિકાસ જેવા પ્રોજેક્ટ્સ વિકાસની સાથે વિરાસતનો મંત્ર સાકાર કરી રહ્યા છે. અને આજે તરફ વાણીનાથ ધામમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના પાવન અવસરે મોદીજી ફરી એકવાર લાવ્યા છે ઉત્તર ગુજરાત માટે ₹13,000 કરોડ થી વધુના વિકાસ પ્રકલ્પોનો ભાર, જેમાં સામેલ છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગના ₹2,500 કરોડ થી વધુના કામો, જે હેઠળ વિશ્વના સૌથી મોટા ગ્રામીણ ટેલિકોમ પ્રોજેક્ટ પૈકીના એક ભારત નેટના બીજા ફેઝના ₹2,080 કરોડના કામોથી રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારો હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીથી સજ્જ હશે. અમદાવાદ ખાતે ₹315 કરોડના ખર્ચે બનનાર હ્યુમન એન્ડ બાયોલોજીકલ સાયન્સ ગેલેરી વિજ્ઞાન રસિકો સહિત સૌ કોઈ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. ગાંધીનગર જિલ્લાના શાહપુર ખાતે 10 એકર વિસ્તારમાં બનેલ ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી યુનિવર્સિટીના અત્યાધુનિક શૈક્ષણિક ભવનમાં વિદ્યાર્થીઓને અદ્યતન લેબોરેટરીઝ, પાયલટ અને પ્રોટોટાઇપ ડેવલપમેન્ટ તથા ઇન્ક્યુબેશન સહિતની વિવિધ સુવિધાઓ એક છત્ર હેઠળ ઉપલબ્ધ થશે. તો ગિફ્ટ સિટીમાં ₹120 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થનાર ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરનું અત્યાધુનિક ભવન બાયોટેકનોલોજી ક્ષેત્રે સંશોધન, કૌશલ્ય વર્ધન અને તાલીમનું મહત્વનું કેન્દ્ર બનશે. તેવી જ રીતે રાધનપુર સામખિયાળી રેલવે સેક્શન તેમજ મહેસાણા ભાંડુ મોટી દો સેક્શન ડબલિંગ, જગુદર મહેસાણા સેક્શનના ગેજ પરિવર્તન સહિતના કુલ ₹2,300 કરોડથી વધુના રેલ પ્રોજેક્ટ્સ, ટ્રેન મૂવમેન્ટ અને માલ પરિવહનને ઝડપી બનાવી સ્થાનિક અર્થતંત્રને વેગ આપશે. તો સડક પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલયના ₹1,600 કરોડથી વધુના કામો અંતર્ગત મહેસાણા વડનગર ઈડર માર્ગના 4 માર્ગીયકરણ સહિતના પ્રોજેક્ટ્સથી પરિવહન તો ઝડપી બનશે જ, સાથે ટુરિઝમ સહિતના ઉદ્યોગોના વિકાસને પણ બળ મળશે. વિકાસના કામો ઉત્તર ગુજરાતને અમૃતકાળમાં આધુનિકતાના રંગે રંગશે. વાણીનાથ મહાદેવના વરદાન અને મા અંબાજીના આશીષથી ઉત્તર ગુજરાત વિકસિત ભારત અને વિકસિત ગુજરાતના નિર્માણનો નવો અધ્યાય લખશે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને લાખ લાખ ધન્યવાદ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને. મિત્રો, આખો ભારત દેશ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે. મા ભારતીના સૌભાગ્ય સમાન સમર્પિત સુશાસક આ દેશને મળ્યા છે, જેમની કાર્યદક્ષતા અને કટિબદ્ધતા થકી સમગ્ર વિશ્વની આશાભરી મીટ ભારત પર મંડાઈ છે અને આવનારા દાયકાઓ સુધી ભારતની વિકાસશીલતાની સુનિશ્ચિતતાના જેવો સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છે તે છે વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા, ભારતની જનતાના હૃદય સમ્રાટ, યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. આવો જોરદાર તાળીઓના ગુંજ સાથે તેઓને આમંત્રિત કરીએ તેઓના ઉદ્બોધન માટે. જય વાણીનાથ, જય જય વાણીનાથ. પરાંબા હિંગલાજ માતાજી કી, હિંગલાજ માતાજી કી, ભગવાન શ્રી દત્તાત્રેય કી, ભગવાન શ્રી દત્તાત્રેય કી. કેમ છો બધા? ઘણા ઘણા બધા જૂના જોગીના દર્શન કરવા મળ્યા, જૂના 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 સાથીઓના દર્શન કરવા મળ્યા. પાજે વાણીનાથે વટ પાડી દીધો.
વાણીનાથ પહેલા પણ આવ્યો છું અને એક વાર આવ્યો છું, પરંતુ આજે તો રોનક જ કઈ ઓર છે. અને દુનિયામાં ગમે તેટલા સ્વાગત થતા હોય, સન્માન થતા હોય, પણ ઘરે જયારે થાય ને ત્યારે આનંદ ઓર હોય છે. મારા ગામ વાળા મને વચ્ચે વચ્ચે દેખાતા હતા આજે, અને મોસાળ માં આવીએ ત્યારે આનંદ પણ અનેરો હોય. જે વાતાવરણ મેં જોયું છે એના આધારે હું કહી શકું કે શ્રદ્ધા સે આસ્થા સે સરાબોર આપ સભી ભક્ત ગણો કો મેરા પ્રણામ. દેખીએ સંયોગ કેસા હૈ, આજ સે ઠીક એક મહિના પહેલે 22 જનવરી કો અયોધ્યા મેં પ્રભુ રામ કે ચરણો મેં થા. વહાં મુજે પ્રભુ રામ લલા કે વિગ્રહ કી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કે ઐતિહાસિક આયોજન મેં શામિલ હોને કા સૌભાગ્ય મિલા. ઇસકે બાદ 14 ફરવરી વસંત પંચમી કો અબુ ધાબી મેં ખાડી દેશો કે પહેલે હિન્દુ મંદિર કા લોકાર્પણ કા અવસર મિલા. ઓર અભી 2-3 દિન પહેલે હી મુજે યુપી કે સંબલ મેં કલકી ધામ કે શિલાન્યાસ કા ભી મોકા મિલા. ઓર અબ આજ મુજે યહાં તરફ મેં इस भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करने का, समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. साथियों, देश और दुनिया के लिए तो ये वाणीनाथ शिवधाम तीर्थ है, लेकिन समाज के, रबारी समाज के लिए, रवारी समाज के लिए पूज्य गुरु गादी है. देश भर से रवारी समाज के अन्य भक्तगण आज मैं यहां देख रहा हूं, अलग अलग राज्यों के लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं. मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं. साथियों, भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है, एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं. देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है. आज एक तरफ ये पावन कार्य संपन्न हुआ है, वहीं विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी विकास, टूरिज्म, ऐसे कई महत्वपूर्ण विकास कामों से जुड़े हैं और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के
स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। मेरे परिवारजनों, आज मैं इस पवित्र धरती पर एक दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। ये ऊर्जा हजारों वर्ष से चली आ रही उस आध्यात्मिक चेतना से हमें जोड़ती है, जिसका संबंध भगवान कृष्ण से भी है और महादेव जी से भी है। ये ऊर्जा हमें इस यात्रा से भी जोड़ती है जो पहले गादीपति महंत विरमगिरी बापू जी ने शुरू की थी। मैं गादीपति पूज्य जयराम गिरी बापू को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आपने गादीपति महंत बलदेव गिरी बापू के संकल्प को आगे बढ़ाया और उसे सिद्धि तक पहुंचाया। आप में से बहुत लोग जानते हैं बलदेव गिरी बापू के साथ मेरा करीब 3-4 दशक का बहुत ही गहरा नाता रहा था। जब मुख्यमंत्री था तो कई बार मुझे मेरे निवास स्थान पर उनके स्वागत का अवसर मिला। करीब करीब 100 साल हमारे बीच वो आध्यात्मिक चेतना जगाते रहे और जब 2021 में हमें छोड़ के चले गए तब भी मैंने फोन करके मेरी भावनाओं को प्रकट किया था। लेकिन आज जब उनके सपने को सिद्ध होता हुआ देखता हूं तो मेरी आत्मा कहती है आज वो जहां होंगे इस सिद्धि को देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे, हमें आशीर्वाद देते होंगे। सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर आज 21वीं सदी की भव्यता और पुरातन दिव्यता के साथ तैयार हुआ है। ये मंदिर सैकड़ों शिल्पकारों श्रमजीवियों के बरसों के अथक परिश्रम का भी परिणाम है। इसी परिश्रम के कारण इस भव्य मंदिर में आज वाणीनाथ महादेव, पराम्बा श्री हिंगलाज माताजी और भगवान दत्तात्रेय विराजे हैं। मंदिर निर्माण में जुटे रहे अपने सभी श्रमिक साथियों का भी मैं वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे ये मंदिर सिर्फ देवालय है ऐसा नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह है ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के परंपरा के प्रतीक है। हमारे यहां मंदिर ज्ञान और विज्ञान के केंद्र रहे, देश और समाज को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के माध्यम रहे। शिवधाम श्री वाणीनाथ अखाड़े ने तो शिक्षा और समाज सुधार की इस पवित्र परंपरा को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया है। और मुझे बराबर याद है मुझे बलदेव गिरी महाराज जी के साथ जब भी बात करता था तो आध्यात्मिक या मंदिर की बातों से ज्यादा वे समाज के बेटे बेटियों की शिक्षा की चर्चा करते थे। पुस्तक परब के आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ी है,
स्कूल और हॉस्टल के निर्माण से शिक्षा का स्तर और बेहतर हुआ है। आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी को रहने खाने और लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है। देवकाश और देशकाश का इससे बेहतर उदाहरण भला क्या हो सकता है। ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रबारी समाज प्रशंसा का पात्र है। रबारी समाज को प्रशंसा बहुत कम मिलती है। भाइयों और बहनों, आज देश सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। ये भावना हमारे देश में कैसे रची बसी है इसके दर्शन भी हमें बाड़ीनाथ धाम में होते हैं। ये ऐसा स्थान है जहां भगवान ने प्रकट होने के लिए एक रबारी चरवाहे भाई को निमित्त बनाया। यहां पूजा पाठ का जिम्मा रबारी समाज के पास होता है, लेकिन दर्शन सर्व समाज करता है। संतों की इसी भावना के अनुकूल ही हमारी सरकार आज देश में हर क्षेत्र हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने में जुटी है। मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है। इसलिए एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मुझे गुजरात में 1.25 लाख से अधिक गरीबों के घरों के लोकार्पण का और शिलान्यास का अवसर मिला। 1.25 लाख घर, ये गरीब परिवार कितने आशीर्वाद देंगे आप कल्पना कीजिए। आज देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है ताकि गरीब के घर का भी चूल्हा जलता रहे। ये एक प्रकार से भगवान का ही प्रसाद है। आज देश के 10 करोड़ नए परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हुआ है। ये उन गरीब परिवारों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है जिन्हें पहले पानी के इंतजाम में दूर दूर तक जाना पड़ता था। अने आपड़ा उत्तर गुजरात वाणा तो खबर जे बराबर के पानी माटे केटली तकलीफो पड़ती थी। बबे 3-3 किलोमीटर माथे बेड़ा लेने जावू पड़तू तो। अने मने याद छे जेर में सुजलाम सुफलाम योजना करी त्यारे उत्तर गुजरात ना कांग्रेस ना धारासभ्य महीना कह गया था कि साहेब आऊ काम कोई ना करी सके अन तबे जे काम करू छे ने ये 100 वर्ष सुधी लोको भूलशे नहीं। एना साक्षी ये बैठा जे। साथियों,
बीते दो दशकों में हमने गुजरात में विकास के साथ साथ विरासत से जुड़े स्थानों की भव्यता के लिए भी काम किया है। दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए। और आज जब जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, जब पूरा देश इसे खुश है, तो भी नकारात्मकता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहे। भाइयों और बहनों, कोई भी देश अपनी विरासत को सहज कर ही आगे बढ़ सकता है। गुजरात में भी भारत की प्राचीन सभ्यता के अनेक प्रतीक चिन्ह है। ये प्रतीक इतिहास को समझने के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने मूल से जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि इन प्रतीकों को सहजा जाए, इन्हें विश्व धरोहरों के रूप में विकसित किया जाए। अब आप देखिए वडनगर में खुदाई में नया नया इतिहास कैसे सामने आ रहा है। पिछले महीने ही वडनगर में 2800 साल पुरानी बस्ती के निशान मिले हैं। 2800 साल पहले लोग वहां रहते थे। 2000 में भी कैसे प्राचीन भारत के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। ये भारत के गौरव है। हमें अपने इस समृद्ध अतीत पर गर्व है। साथियों, आज नए भारत में हो रहा हर प्रयास भावी पीढ़ी के लिए विरासत बनाने का काम कर रहा है। आज जो नई और आधुनिक सड़कें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, ये विकसित भारत के ही रास्ते हैं। आज महसाणा की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। रेल लाइन के दोहरीकरण से अब बनासकांठा और पाटन की कंडला, टूना और मुंद्रा पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे नई ट्रेन चलाना भी संभव हुआ है और मालगाड़ियों के लिए भी सुविधा हुई है। अड्डीसा के एयरफोर्स स्टेशन के रनवे, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और भविष्य में ये सिर्फ रनवे नहीं, भारत की सुरक्षा का एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है।
मुझे याद है मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थी, अनेक बार प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस काम को, इस निर्माण को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एयरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं करते थे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी रही। डेढ़ साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। दिशा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। और यही तो है मोदी की गारंटी। साथियों, 20-25 साल पहले का एक वो भी समय था जब उत्तर गुजरात में अवसर बहुत ही सीमित थे। तब किसानों के खेतों में पानी नहीं था, पशुपालकों के सामने अपनी चुनौतियां थी, औद्योगिकरण का दायरा भी बहुत सीमित था। लेकिन भाजपा सरकार में आज स्थितियां लगातार बदल रही। आज यहां के किसान साल में 2-3 फसल उगाने लगे हैं। पूरे इलाके का जल स्तर भी ऊंचा उठ गया है। आज यहां जल आपूर्ति और जल स्रोतों से जुड़ी 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इन पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इससे उत्तर गुजरात की पानी की समस्याओं को दूर करने में और मदद मिलेगी। उत्तर गुजरात के किसानों ने टपक सिंचाई जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को जैसे अपनाया है वो अद्भुत है। अब तो मैं यहां देख रहा हूं कि केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती का चलन भी बढ़ने लगा है। आपके प्रयासों से पूरे देश में किसानों का उत्साह बढ़ेगा। भाई और बहनों, हम इसी तरह विकास भी करेंगे और विरासत भी सहेजेंगे। अंत में इस दिव्य अनुभूति का भागीदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद जी। तो आप देख रहे थे।